हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एमटीएस के 2017 की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है कट ऑफ को लेकर, स्टेट वाइज या रीजन वाइज। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कट ऑफ किस तरीके से जाएगी और क्या लेटेस्ट अपडेट है एसएससी से कट ऑफ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो स्टूडेंट्स, कट ऑफ को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है और एमटीएस स्टूडेंट्स ये नहीं जान पा रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो स्टेट वाइज होगी या फिर रीजन वाइज होगी। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो कट ऑफ बनेगी वो फाइनली वो बनेगी आपकी ओवरऑल कट ऑफ, और ये टीयर वन की जो बता रहा हूं मैं, टीयर वन की जो कट ऑफ होगी ये आपकी मेरिट प्लस स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगी, जो आपने स्टेट फिल किए हैं फॉर्म को भरते वक्त। इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर किसी हायर स्टूडेंट्स के मेरिट मान लिया कि जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो 130 से लेकर 135 के बीच में है और इन्होंने पहली प्रेफरेंस दी है दिल्ली, सो ऑटोमेटिकली दिल्ली का जो कट ऑफ होगा डिस्क्रिप्टिव का ये काफी हाई चला जाएगा। अब बात करते हैं उसके बाद जो सीट्स बचती हैं उसके अंदर, फिर यूपी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है और 125 से लेकर 130 तक के स्टूडेंट्स ने यूपी को ज्यादा प्रेफरेंस दी है। सो यहाँ का जो कट ऑफ होगा यूपी का वो भी हाई जाएगा, लेकिन एज कम्पेयर टू दिल्ली ये कट ऑफ कम रहेगा। सो जैसे मान लिया जाए दिल्ली का कट ऑफ काफी ज्यादा हाई रहेगा डिस्क्रिप्टिव के लिए और माना जाए कि इसका कट ऑफ 130 रहता है, तो वहीं यूपी का कट ऑफ रहेगा अराउंड 125। तो कुछ इस तरीके से कट ऑफ डिसाइडेड होंगे, जो फाइनली स्टूडेंट्स जो जिनकी मेरिट बहुत हाई है और उन्होंने किसी स्टेट को प्रेफरेंस ज्यादा दे रखी है तो उस स्टेट की जो मेरिट होगी ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी और ये उन स्टूडेंट्स के प्रेफरेंस ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो बच्चे जिन्होंने एक स्टेट या दो स्टेट भरे हैं क्या वो और स्टेट्स के लिए एलिजिबल होंगे, तो इसका आंसर है नहीं। अगर आपने सिर्फ दिल्ली या फिर सिर्फ यूपी भरा है अपनी प्रेफरेंस ऑर्डर के अंदर और अब आप चाहते हैं कि आप वेस्ट बंगाल या फिर महाराष्ट्र के किसी स्टेट से अप्लाई कर सके, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर वही रहेगी जो आपने भरी है और आप रेस से बाहर हो जाएंगे अगर आप उस स्टेट की कट ऑफ को क्लियर नहीं कर रहे हैं जिसे आपने प्रेफरेंस ऑर्डर में भरा है। सो स्टूडेंट्स, इस आरटीआई रिप्लाई के अंदर ये बताया गया है, ये आरटीआई थोड़ी क्लियर नहीं है लेकिन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, कट ऑफ इज लाइकली टू बी स्टेट वाइज, प्लीज कंफर्म फ्रॉम द राइट अप ऑफ द रिजल्ट व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड। तो यहाँ बोला गया है जो कट ऑफ होगी वो स्टेट वाइज होगी, मतलब वही हुआ कि जैसे किसी स्टूडेंट्स ने अगर दिल्ली से हायर मेरिट गेन करी है और वो दिल्ली को पहली प्रेफरेंस देता है तो दिल्ली की कट ऑफ अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। सो इसी तरीके से अगर उसने दिल्ली, यूपी और पंजाब को इस ऑर्डर में प्रेफरेंस दी हुई है तो पहले उसे देखा जाएगा कि वो दिल्ली के अंदर कट ऑफ को पार कर रहा है कि नहीं, और ये डिसाइड होगा कि कितने हायर मेरिट स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है दिल्ली को एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस। और अगर बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया होगा दिल्ली के लिए तो यहाँ पर मेरिट कम जाएगी, लेकिन अगर ज्यादा लोगों ने दिल्ली को एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस या फिर सेकंड प्रेफरेंस दिया होगा और उनकी मेरिट भी हाई होगी तो दिल्ली की जो कट ऑफ होगी ये काफी हाई जाएगी। और बात करते हैं यूपी की, फिर उसी हिसाब से यूपी की कट ऑफ थोड़ी सी लो जाएगी कंपेयर टू दिल्ली, और अगर उससे नीचे वाली मेरिट के बंदों ने पंजाब को हायर प्रेफरेंस दे रखी है दिल्ली यूपी के बाद तो यहाँ की भी कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग ही जाएगी। तो मेरिट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी और उसके बाद जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी वो करेगी प्रेफरेंस ऑर्डर, जो प्रेफरेंस ऑर्डर स्टूडेंट्स ने भरा होगा हायर मेरिट के उसके अकॉर्डिंग ही मेरिट डिसाइड होगी आपकी स्टेट वाइज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आरटीआई के रिप्लाई में साफ साफ लिखा हुआ है, द कट ऑफ इज लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड एज स्टेट वाइज, और आप इसको क्लियर कर सकते हैं रिजल्ट के राइटअप से। सो एक और क्वेश्चन का इसमें आंसर दिया हुआ है, फाइनल वैकेंसीज पोजिशन वुड बी रिफ्लेक्टेड वेन द रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड। सो जो वैकेंसीज पहले बताई गई थी 8300 चांसेस हैं कि ये वैकेंसीज इंक्रीज हो, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है वैकेंसीज को रिलीज हुए और इतने स्पैन ऑफ टाइम में वैकेंसीज रिलीज हो जाती हैं। सो अराउंड 10,000 के अप्रोक्स जो वैकेंसीज हो सकती हैं इस बार की, और वैकेंसीज इंक्रीमेंट होने से नंबर ऑफ स्टूडेंट जो शॉर्टलिस्ट होंगे ये भी बढ़ेंगे, तो आपके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे एमटीएस एग्जाम के सिलेक्शन के अंदर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बुकवॉर्म्स ऑफ एसएससी को और दबाइए बेल आइकन को हमारी फ्यूचर अपडेट्स पाने के लिए। सो गुड बाय एंड गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।